सुप्रभात दोस्तों। तो इंडिया एट पैरालंपिक मैं स्केड्यूल लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और हमने ओलंपिक काफ़ी अच्छे से कवर किया, अब टाइम है पैरालंपिक कवर करने का। और मैं तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और पहले भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, देन ओलंपिक। ओलंपिक में तो आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया अपने स्पोर्ट्स विद ब्रोस को, तो मैं स्केड्यूल लेकर आ रहा हूँ। तो जो पूरा स्केड्यूल है 28 मतलब आज से लेकर 9 तारीख तक का, क्लोजिंग सेरेमनी तक का मैंने लेकर आया। अगर आपको कोई भी स्केड्यूल समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इसमें भी ऐसी तरह प्यार बना रखेंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा होप करता हूँ कि भारतीय टीम इस बार 20 मेडल्स क्रॉस करेगी। लास्ट टोक्यो ओलंपिक में सबसे अच्छा भारत ने परफॉर्मेंस दिया था, तो मैं उम्मीद कर टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस बार 84 एथलीट्स जा रहे हैं, तो लेट्स सी। आज ही ओपनिंग सेरेमनी है, रात के शायद 10:30 या 11:30 बजे। मैं तो मुझे उम्मीद है कि भारत इस बार और अच्छा करेगी। और हाँ, आज आप लोग अगर हमारे साथ ओपनिंग सेरेमनी भी जुड़ना चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी हम लाइव वॉच अलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। वैसे स्केड्यूल अगर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, कुछ कुछ स्केड्यूल नहीं भी होगा क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन होता है फाइनल पहुँचने के बाद। तो उम्मीद है कि भारत इस बार अच्छे 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 मेडल्स जीतने वाले हैं। चलिए प्लीज़ देखें आप स्केड्यूल भारत का।